महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मालेगांव के पास एक कुएं में 5 लाशें तैरती हुई नजर आई, जिनमें माँ और उसकी 4 बेटियां शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। सभी मृतक कल घर से खेत के लिए गए थे, जो शाम होने पर वापस ही नहीं लौटे। फिलहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यह हत्या है या सामूहिक हत्या। उल्लेखनीय है कि बेटियों के पिता ने भी 1 माह पहले ही आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या क्यों की है ये स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं गांव वालों से बातचीत में सामने आ रहा है कि गरीबी के चलते पूरे परिवार ने यह कदम उठाया है। मैं थानेदार दिलीप मसाम पोजीशन जाने पर, हमारे पोजीशन जाने पर अंतर्गत एक आदिवासी बस्ती है मालेगांव करके, वहां पे एक करीबन 35 साल की महिला है, जिसने अपने 4 बच्चों के साथ एक कुएं में आत्महत्या की, सामूहिक आत्महत्या की है। उसका जो पति था वो भी करीबन 1-1.5 महीने पर आत्महत्या की है। उसकी जो 4 लड़कियां है वो 1 9 साल की है, 7 साल की है, 8 साल की और 1 साल की। उन्होंने वो खेत का काम करती थी। कल 22 तारीख को सुबह खेत में गए 11 बजे और शाम 4 बजे वो खेत से, मैं अपने घर जा रहे हूँ अपने अपने पिताजी को बताया, लेकिन वो 6 बजे तक घर नहीं आई। इसलिए उन्होंने सब तरफ उसको ढूंढा, लेकिन वो घर पे नहीं था। घर नहीं आने वजह से पूरे गांव के लोगों ने उसको ढूंढा। ब्राह्मण समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने तहसील मुख्यालय करहल पर नवोदय विद्यालय भोंगाव की 11वीं की छात्रा अनुष्का की मौत पर रतन कुमार वर्मा उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनुष्का पांडे की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। इस दौरान समाज के अध्यक्ष सत्य प्रकाश दुबे ने कहा कि नवोदय विद्यालय की छात्रा अनुष्का की मौत के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, जिसके लिए सीबीआई का जांच होना बेहद जरूरी है। आज जो ज्ञापन दिया है, क्या आज ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो छात्रा अनुष्का पांडे थी वो गांव नवोदय पढ़ रही थी, और उसका जो है विशेष सूत्रों से ये लगता है, हम लोगों को गार्जियन भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, उसका मर्डर हुआ है विधिवत और उसको दबाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं उसकी सीबीआई जांच हो, जिससे हो जाए। वहाँ छात्राओं के साथ सही शिक्षा नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और जिसकी वजह से उनके गार्जियन परेशान है, हम सब लोग रिश्तेदार परेशान है, सभी समाज के लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जिससे उस छात्रा को हो उसके घर वालों को न्याय मिल सके। आज ये जो ज्ञापन आपने दिया है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? जो बेटी अनुष्का के विषय मर्डर हुआ है, तो उसकी न्याय जांच के लिए, न्याय जांच वो भी सीबीआई से हो, उसके लिए हमने किया है। यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो अलग हटेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी कुछ न्याय मिल सकता है। आज जो है आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये ज्ञापन हमने दिया है जो भोगांव क्षेत्र में। बांदा शहर के व्यस्ततम सड़क के पास एक तेज रफ्तार ट्रक नो एंट्री में बैरिकेटिंग तोड़ फंस गया। आज सुबह से ये तेज रफ्तार डंपर लोहे की बैरिकेटिंग तोड़कर जा फंसा। वहीं इस हादसे से अनुमान लगाया जा रहा है कि डंपर की रफ्तार काफी तेज थी, जबकि शहर के सबसे व्यस्ततम रोड होने की वजह से प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई थी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बरेली के थाना भमोरा के गांव बलिया बाइक से आ रहे एक परिवार को थेसरदार नगर चौकी के पास पीछे से पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे व पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसी घटना हुई थी? ये शाम के लिए बलिया से बरेली के लिए जा रहे थे, बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो क्रॉसिंग से पीछे से पिकअप जो थी, लोड वाली थी या कौन सी थी ये ठीक से नहीं, अज्ञात कोई वाहन था, उससे ये रगड़ता हुआ इनके लिए चला गया। पीछे से टक्कर मारते हुए जो था वो चला गया। गाड़ी पकड़ गई? नहीं, गाड़ी नहीं पकड़ी, और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन जो था वहाँ, उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी मदद नहीं की, और अगर वो चाहते तो गाड़ी पकड़ी जा सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, आराम से गाड़ी पकड़ी जा सकती। कहाँ पर हुई थी ये घटना? सरदार नगर पुलिस चौकी पे, तो सामने या पास में? बिल्कुल पास में, बिल्कुल 4 कदम, मुश्किल से 4 कदम आगे की घटना है ये,
और वहाँ पर मात्र कोई एक या दो कांस्टेबल रहे होंगे पूरी पुलिस चौकी पे। किस समय की घटना है ये? 7:45 के करीब की घटना रही शाम की। जी अच्छा, ऋषि गुप्ता की जो मौत हो गई वहीं हो गई मौके पर? जी 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 जी। कितने लोग घायल हुए? घायल में ऋषि गुप्ता और शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता के काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं, सर में भी चोट आई है, कमर में भी, पैर में भी आई है चोट, और दो बच्चे भी हैं, उनके भी थोड़ी थोड़ी चोट आई है। शेखर गुप्ता जिंदगी बहुत थी। शेखर गुप्ता क्या करते थे? शेखर गुप्ता की ये छोटा सा इनका अपना व्यापार है बीज का। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रिजानी में छापा मारकर दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक तकरीबन 500 से 600 फर्जी आधार कार्ड बना चुका था। प्रतापपुर थाना अंतर्गत शताब्दी नगर में सूर्या कंप्यूटर्स के नाम से कंप्यूटर सेंटर था, जहां पर सूचना मिली इंस्पेक्टर प्रतापपुर को कि वहां पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से करेक्शन कराए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ये सूचना पर वहां पर छापा मारा गया, वहां से दो लोग पकड़े गए जिनके नाम क्रमशः प्रवीण जो प्रतापपुर क्षेत्र का रहने वाला है और पंकज जो खरखदा क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में पता चला कि पंकज सिंडिकेट बैंक में हापुड़ में पिलखुआ में काम करता था, वहाँ से नौकरी उसकी छूटी और वहाँ का आईडी और पासवर्ड उसका यूज करके ये लोगों के आधार कार्ड में करेक्शन का काम करता था और बनाने की कोशिश करता, जिसमें फीस लगभग 300 रुपए प्रति व्यक्ति लेता था। यूपी के जनपद बहराइच के ब्लॉक फखरपुर सत्यम प्रेरणा संकुल स्त्रीय संघ क्लस्टर बाउंड्री ग्राम पंचायत अम्बा तेतापुर में समूह सखी पायल के यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर रंगोली बनाई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में जागरूक किया गया। उद्देश्य बताइए। ये पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं डॉक्टर शरद PHFI से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग के पद पे काम कर रहा हूँ। जैसा आप पूछ रहे हैं कार्यक्रम जो मनाया गया है आज यहाँ पे, यह गोद भराई कार्यक्रम और अन्नप्राशन जो भारत सरकार द्वारा 2018 से एक कार्यक्रम चल रहा है पोषण माह अभियान, एक पोषण अभियान चल रहा है, उसके तहत ये दूसरा 2019 में दूसरा बार है। हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण अभियान मना रहे हैं, जिसमें आज ये कार्यक्रम किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए कि सही पोषण देश रोशन। सही पोषण का मतलब सही समय से खान पान और उचित मात्रा और जितना भी पोषक तत्व हैं, क्योंकि शरीर में पांच लोगों को और पांच तत्व होते हैं जो शरीर में लोगों को रोज मिलने चाहिए। विटामिन है, मिनरल्स है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और